दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस के 1475 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली में संक्रमित लोगों की संख्या 1,21,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं बीमारी के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 3597 पर पहुंच गई है। ये लगातार 8वां दिन है जब मामले 1,000 से 2,000 के बीच आ चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बुलेटिन में बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में 26 मरीजों की मौत हुई है। शुक्रवार की बात करें तो दिल्ली में भी कोरोना वायरस के चलते 26 लोगों की मौत हुई थी। 9 जून के बाद ये मृतकों की सबसे कम संख्या थी। शुक्रवार को 1462 नए मामले सामने आए थे। वहीं शनिवार को संक्रमित लोगों की संख्या 16,711 थी, जबकि एक दिन पहले ये संख्या 17,235 थी। राष्ट्रीय राजधानी में 23 जून को 3,947 मामले सामने आए थे, जो किसी एक दिन की सबसे अधिक संख्या थी। दिल्ली में कोविड 19 से मरने वालों की संख्या शुक्रवार को 3571 थी। शनिवार को जारी बुलेटिन में कहा गया कि कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3597 जा पहुंची है और संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,21,582 हो चुकी है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।